हेलो व्यूअर्स, दिस इज राही मंजूर। होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंडर आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीएम विश्वकर्मा के अंडर आपको ट्रेनिंग कितने दिन की दी जाएगी, आपको ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी और आपको ट्रेनिंग के दौरान कौन कौन से एग्जाम्स लिए जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पेज पर जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हो और पूरी जानकारी हासिल ले सकते हो। दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको पीएम विश्वकर्मा के अंडर कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। दोस्तों, ये वीडियो जो है ये हमारे टेक्निकल भाइयों के लिए है। दोस्तों, क्योंकि बहुत से टेक्निकल भाई है जिनको अभी तक इस स्कीम के बारे में मालूम नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको इस स्कीम के बारे में इनके जो प्रॉफिट्स हैं, मतलब इसके जो फ़ायदे हैं या फिर बेनिफिट्स हैं, वो आपको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि जो भी भाई अभी तक इसमें रजिस्टर नहीं हुआ तो वो भी रजिस्टर हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको इसमें रजिस्टर होना पड़ेगा। रजिस्टर होने के बाद जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो ट्रेनिंग के दौरान आपको 5 दिन के 5,500 रुपये मिलेंगे। यानी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक ट्रेनिंग भी मुहैया करेगा और आपको 5,500 रुपये भी फी दिहाड़ी के हिसाब से देगा। दोस्तों, जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगी। यानी ट्रेनिंग के बाद जब आपका एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगी। अगर आप उसमें पास हो जाएंगे तो तभी जाकर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगी। जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगी तो उसके बाद आपको एक टूल किट मिलेगा। टूल किट किस चीज़ का होगा? दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप जिस भी काम में महारत रखते हो या आप जो भी काम करते हो, जैसे अगर आप कारपेंटर हो तो आपको कारपेंट्री की जो भी मशीनरीज वगैरह आप यूज़ करते हो तो उसकी आपको टूल किट मिलेगी। दोस्तों, टूल किट जब आपको मिल जाएगी तो उसके बाद आपको लोन के लिए मतलब बताया जाएगा। मतलब यहाँ पर एक बात आपको ख्याल रखना है कि लोन आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बैंक के मुताबिक आपको लोन विदाउट गारंटर मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आपको बैंक वाले वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन किस चीज़ की होगी? वेरिफिकेशन होगी अगर आप कारपेंटर हो तो, अगर आपको लोन चाहिए तो आपको वो देखेंगे कि आपका दुकान सेट है, आपने बिजनेस जो अपना बिजनेस है वो आपने सेटअप किया है, अपना आपने फर्नीचर बनाना अगर स्टार्ट किया है उसके लिए आपने मशीनरीज वगैरह लाई है, आपको फर्नीचर के लिए जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं वो आपके पास है, तो उस चीज़ के लिए बैंक आपको जो है वेरिफिकेशन करेगी। अगर आपके पास वो सब चीज़ें सेटअप होगी तो तब जाकर वो आपको लोन देंगी, वरना आपको वो लोन नहीं देंगे। अगर आप बताओगे कि बस हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी, हम सर्टिफिकेट लेकर बैंक के ऊपर चले जाएंगे और उनको बताएंगे कि हमें लोन दे दीजिए, वो आपको ऐसे लोन नहीं दे देंगे, क्योंकि उनका भी अपना एक अपना एक जो वैल्यू होता है, तो उनको अगर वो लोन दे देंगे आपको तो वो आपको बगैर गारंटर लोन दे देंगे, लेकिन आपको वो वेरिफिकेशन के बगैर लोन नहीं देंगे, क्योंकि आपको अपना बिजनेस जो है वो सेटअप जब होगा तभी जाकर वो आपको लोन देंगे। दोस्तों, जब आपको लोन मिल जाएगा तो आपको क्या होगा, आपको उस लोन में से 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप आम लोन लेते हो बैंक से तो आपको 13% इंटरेस्ट देना पड़ता है। यानी अगर आप 1,00,000 रुपये बैंक से लेते हो तो आपको 1,13,000 रुपये रिटर्न में भरने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 8% है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी और 5% जो है वो आपको देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको 1,00,000 रुपये में 1,05,000 रुपये वापस रिटर्न भरने पड़ेंगे, वो भी आपको 18 महीने के अंदर अंदर रिटर्न में भरने पड़ेंगे। दोस्तों, जब आप ये 1,00,000 लोन जो है वो आप रिटर्न में भर दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली 2,00,000 रुपये मिल जाएंगे। जब आपको 2,00,000 रुपये मिल जाएंगे वो आपको 30 महीने के अंदर अंदर भरने पड़ेंगे। तो उसके बाद अगर आप बैंक के साथ अच्छी तरह से काम करते हो तो बैंक आपको लोन देता रहेगा, आप जितना चाहोगे उतना आपको बैंक देता रहेगा। हाँ, अगर आपने कोई बेईमानी कर दी तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। तो ये जो प्रॉफिट्स है, ये जो फ़ायदे हैं, ये पीएम विश्वकर्मा में है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से टेक्निकल हैंड लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक इस स्कीम में जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं की है, तो अभी तक रजिस्टर नहीं हुए हैं। दोस्तों, उनके लिए ये वीडियो है। दोस्तों, अगर ये वीडियो उन तक जा पहुँचेगा तो वो भी इस स्कीम में खुद को रजिस्टर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आने वाले वीडियो के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू।